हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज केशव पंडित। और आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, और वो भी जस्ट 3 दिन में। 3 दिन में कैसे मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, तो ये सब चीज देखने के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। और अगर चैनल पे आप आए हो नए, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के कंटेंट जो है मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, चिराग आंधियों में चलते रहे। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे वो कंप्लीट हो गए थे जुलाई, लेकिन उस टाइम मेरा जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि नई पॉलिसी जो है यूट्यूब की, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो उस माइलस्टोन को मैं अचीव नहीं कर पा रहा था। मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन अभी भी वॉच टाइम बाकी था। धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड करते गया, और अपलोड करते करते अभी जो है, जो मेरा वॉच टाइम मेरा जाके कंप्लीट हुआ नवंबर को। 3 नवंबर को मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और चैनल चला गया अंडर रिव्यू में। अंडर रिव्यू जाने के बाद मैं थोड़ा सा टेंशन कि अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चारों तरफ से बहुत बड़े यूट्यूबरों से मैंने कांटेक्ट किया, बहुत लोगों को कमेंट करके पूछा कि भाई मेरे चैनल पे, एक मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम भी था, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो बहुत लोगों के अलग अलग प्रकार के रिव्यूज़ थे, किसी ने क्या कहा, बहुत लोगों ने क्या बोला कि भाई होगा भी नहीं होगा, दिक्कत भी हो सकती है, टाइम भी लग सकता है ये, क्योंकि मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आपको बोला जाता है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने का जो भी टाइम है, उसके बाद ही उन लोगों का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि जस्ट 3 दिन बाद 6 तारीख के दिन सुबह 4 बजे मेरे पास मेल आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चैनल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द यूट्यूब प्रोग्राम। और उसके बाद तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अपना जो व्यूवर्स थे मेरे, जो व्यूज़ थे चैनल पे, वो भी बहुत कम थे, अराउंड 40,000 के अराउंड ही व्यूज़ थे। उन्हीं में मैंने अपना जो वॉच टाइम था 4000 घंटे का, 240,000 मिनट मैंने कंप्लीट कर लिए थे, और सब्सक्राइबर्स जो थे वो 1000 से ज़्यादा ही हो गए थे उस टाइम। तो ये था दोस्तों एक छोटी सी हिस्ट्री 3 दिन में मोनेटाइजेशन ऑन होने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसा क्या था कि मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं हुई और मात्र 3 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरे जो चैनल है उस पर खाली एक कॉपीराइट क्लेम था, वो भी कॉपीराइट क्लेम था, कोई भी स्ट्राइक नहीं थी, कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं थी। तो सबसे पहले तो जो कॉन्टेंट था वो एकदम क्लीन था, किसी का भी रीयूज कॉन्टेंट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, किसी के और कोई तरीके की गलती मैंने अपने चैनल पर नहीं की। सारे जो वीडियोज़ थे मेरे फेस कैम वीडियोज़ थे, और मेरा खुद का कंटेंट था, जो भी था एकदम वैल्यूएबल कंटेंट था। आप भी एक बार जाके देख सकते हो, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड या ट्रैवल टॉक से रिलेटेड, तो वो आप एक बार मेरे चैनल पे देख भी सकते हो कि कितने क्लीन और वैल्यूएबल वीडियोस हैं जो चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। तो दूसरा मैटर ये भी होगा कि जो है वीडियोज हैं, कॉन्टेंट जो है वो एकदम फ्रेंडली कॉन्टेंट है, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी यूट्यूब को भी, तो उन्होंने मेरे चैनल को तुरंत ही मोनेटाइज कर दिया। तो अगर आप भी नए यूट्यूबर हैं तो किसी भी प्रकार के चैनल में अपने कोई भी गलती मत करो, बहुत क्लीन काम करो, टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है,
देर आए सवेर आए, लेकिन चैनल अपना मोनेटाइज जरूर होगा अगर आप अपने ही कंटेंट डालते हो, वैल्यूएबल कंटेंट डालते हो जिससे कि पब्लिक दोआना भी सीखे। तो बहुत है यूट्यूब देख के, आपका वीडियो देख के अगर कोई दोआना भी सीख रहा है तो इसका मतलब कि आपका चैनल जो है वो बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, ये समझिएगा। तो बहुत क्लीन काम करिएगा अगर यूट्यूब पे बहुत आगे तक जाना है तो, अदरवाइज आप किसी का भी उल्टा सुल्टा कॉपी करके भी आप अपना चैनल तो ग्रो करा लोगे लेकिन फ्यूचर में क्या होगा आपका कोई पता नहीं। तो इसलिए बेटर यही है कि जो भी आपका कंटेंट है प्रॉपर रखिए, प्रॉपर वैल्यूएबल कंटेंट रखिए, सब्जेक्ट एक रखिए, वीडियोस आपकी जो हैं वो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। ये नहीं है मिक्स कंटेंट, मेटाडाटा किसी भी प्रकार का कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोनेटाइजेशन में जाके आपका चैनल फंस जाएगा। तो मेक श्योर कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाने वाला, अंडर रिव्यू में जाने वाला है, तो आप अपने चैनल को एकदम क्लीन करके भेजें। कोई भी दूसरा वीडियो, गलत वीडियो या फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, ये सारी चीज़ें प्लीज़ चेक कर ले। मैं भी पूरे, मेरे 60 वीडियोस थे तो बिफोर अंडर रिव्यू मैंने सारे एक ही चीज़ चेक की थी, कहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ गलती तो नहीं है, टैग्स में कुछ गलती तो नहीं है। ये सारी सब चीज़ें देखने के बाद ही चैनल मेरा गया था अंडर रिव्यू, और उसके बाद बस 3 दिन लगे मेरे को, और मेरा 3 दिन के बाद ही मोनेटाइजेशन हो गया ऑन, और मेरे सारे वीडियोज जो हैं वो मोनेटाइज हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आगे भी इसी प्रकार के जो ब्लॉग्स हैं ट्रैवल से रिलेटेड वो मैं अपलोड करते रहूंगा, और आपका सपोर्ट मिलता रहे ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।